बारहवीं की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए छह युवकों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामला जींद का है, जहां आरोपियों ने पहले पीड़िता का घर से अपहरण किया और फिर उसे खेतों में ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घिनौनी वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने के इरादे से उसके हाथ पैर बांध कर छात्रा को तालाब में फेंक दिया। हुआ क्या जी, हम अंदर सोते थे, अच्छा गुड़िया पड़ रही थी, गुड़िया पड़ रही थी तो इसकी बाथरूम के लिए उठी तो इसका मुंह बांध के ना और गेट खोल कर गुड़िया ले गई। वहाँ के उठा खेतों में लेके उठा कर ना वहाँ लड़की से दुष्कर्म करे और फिर उसके उठने के बाद 5 मिनट में मैं उठ लिया, तभी हमने उसका टोई टाई तो लड़की आने मिली, तो उन्होंने हमारे को बताया कि तुम्हारी लड़की बाइक पर गई। अच्छा, तो फिर उन्होंने फिर हमने वहाँ चारों तरफ वो पकड़ लिए, पकड़ने के कारण फिर उन्होंने हमारे को लड़की नहीं दी, उसका इनके मुंह और हाथ बांध गए और यहाँ तालाब में डाल के लिए। तो आपको कैसे पता चला गुड़िया किस हालत में मिली वहाँ? जब मुंह बांध रखा था जी उसका, मुंह बांध रखा था, इसके हाथ बांध रखे थे, तालाब में डाली गई। छात्रा की तलाश कर रहे उसके परिजनों ने पीड़िता को तालाब से बाहर निकाला और मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल में एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप एवं छेड़छाड़ की घटना हुई थी परसों की रात को, तो उसमें मामले में हमने दुष्कर्म और छेड़खानी के अलग अलग पोक्सो और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 6 लोगों के खिलाफ नामजद जो आरोपी थे वो 6 के 6 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। जो आरोप लगे हैं वो हैं कि उनको लड़की को घर से ही किडनैप करके और ले जाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो तालाब में भी फेंका गया मैम कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा भी शिकायत में और उसके लड़की के बयानों में उन्होंने लीच किया है कि इन लोगों ने उसको तालाब में डाल दिया था। हाथ मुँह बंद कर? हाँ, बांध के जो है, लेकिन इस पर क्या नाम है, अभी इसके मामले में तफ्तीश अभी चल रही है। जो आरोप लगाए हैं कि लड़की के का मुँह बांध कर और तालाब में फेंक दिया, गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी पूछताछ चल रही है। लड़की प्लस टू की छात्रा है, पीड़िता जो है प्लस टू में पढ़ती थी और अभी उसका भी हमने मेडिकल 164 के बयान वगैरह करवा दिए हैं और उसकी काउंसलिंग वगैरह भी करवाई जा रही है पीड़िता की, तो अभी बाकी जांच चल रही है मामले की। पहले किडनैप किया गया मैम जी? धन्यवाद मैम। पीड़िता के परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो दोस्त कर रहे हैं तो हमारा जीना आराम हो गया, ऐसे तो फिर हम कैसे जियेंगे, गरीब आदमी मजदूर हम। तो वो कौन है जी? मेरा बतेरी है जी। गाँव में 12-12 बजे लग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लड़कियां क्या अंदर बाहर जा नहीं सकती लुगाई, इसका मतलब सबका मुंह तो बंद कर दिया जी ने। तो क्या गरीब आदमी अपना जीवन नहीं जी सकता, परमात्मा ने पैदा कर रखा है। बता दे, आरोपियों ने रात के करीब 11 बजे छात्रा का उसके घर से अपहरण किया और खेतों में ले जाकर गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। इंडिया एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।